अस्सलाम वालेकुम बच्चों बच्चों आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, एंटी हिस्टामिन्स के साथ। ठीक है, एंटी हिस्टामिन्स आपका टॉपिक जो मिसलिनियस टॉपिक समझ लें तो उन टॉपिक्स में आते हैं, जैसे एनसेड्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिंस हैं और आपके एंटी हिस्टामिन्स आ जाते हैं और सीरोटोनिन्स आ जाते हैं। तो एंटी हिस्टामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर एमसीक्यूज़ वगैरह तो आते ही हैं, इसमें से कभी कभी एसीक्यू भी आ जाता होता है, तो इसलिए जो है ना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको ना एक सीक्वेंस में लेकर चलेंगे, तो आपने जो है ना मेरे साथ चलना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ये मैंने शॉर्ट लिस्टिंग्स जो की हैं ये वाली, इसकी तो मैंने कंप्लीट लिपिनकॉट से ही की है, तो कुछ बातें हैं जो कैटचिंग से निकाली हैं, बाकी लिपिनकॉट में से लिया है। लिपिनकॉट इज़ अ वेरी गुड बुक। ठीक है, तो जो जिनको एक सीक्वेंस में एक जो है वो खूबसूरत अंदाज में पढ़ने की आदत है वो ज़रूर लिपिनकॉट पढ़ के देखें, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, H1 एंटीहिस्टामिन की बात करने लगी हूँ मैं ये, और इनका जो है ये कि प्रेफरेंशली जो है ना वो H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। उसके अंदर ना हमारे पास दो जनरेशन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जनरेशन की बात करें, जनरेशन के अंदर हमारे पास एक आते हैं फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स, दूसरी आती हैं सेकेंड जनरेशन ड्रग्स। फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन का डिफरेंस आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो होती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं और जो सेकेंड है वो जो होती हैं वो पोलर बनाई जाती हैं। उनके साथ ना एक कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है तो वो पोलर बन जाती हैं, तो उनको पोलर बनाया जाता है। ठीक है, और जो फर्स्ट जनरेशन वाली हैं वो इनएक्सपेंसिव होती हैं और CNS को पिनिट्रेट कर जाती हैं। ठीक है, जबकि सेकेंड जनरेशन CNS को पिनिट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, जबकि ये जो है ना फर्स्ट जनरेशन ये कर सकती हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली ये CNS को पिनिट्रेट कर सकती हैं तो ये सीडेशन भी करवाएंगी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन में ये है कि इंटरैक्ट करती हैं विद अदर रिसेप्टर्स ऑल्सो। ठीक है, दूसरे बहुत सारे रिसेप्टर जैसे अल्फा एडिनर्जिक हो गए, मस्क्रीनिक हो गए, सीरोटोनिन हो गए, कोलिनर्जिक हो गए, ऐसे रिसेप्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करती हैं आपकी फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। उसके अलावा इनके उसी जो काम है ना, जो डिफरेंट अदर रिसेप्टर्स पे एक्शन है इसका, उसकी वजह से इसके साइड इफेक्ट्स डेवलप होते हैं, अनवांटेड साइड इफेक्ट्स। ठीक है, इफेक्टिव तो है लेकिन इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं। जबकि सेकंड जनरेशन जो है ना वो उसका साइड इफेक्ट ये है कि वो नहीं, उसका ये है कि वो CNS डिप्रेशन कम से कम करती है, क्योंकि वो क्रॉस ही नहीं करती CNS को क्रॉस नहीं करेगी, तो उसकी वजह से CNS डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि हिस्टामिन की वजह से ज़्यादा होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन वालियों की वजह से। अच्छा, अब इसमें देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में कौन सी ड्रग्स आती हैं और सेकेंड जनरेशन में कौन सी ड्रग आती हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें ना दो टाइप की ड्रग्स होती हैं, एक जो होती हैं वो मार्क्ड सीडेशन, मतलब बहुत ज़्यादा सीडेशन करवाती हैं, वो वाली ड्रग हैं, और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो मोशन सिकनेस के अंदर आती हैं। ठीक है, मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए, मोशन सिकनेस होता है कि आपने सफ़र करना है, सफ़र से पहले आप ऐसी मेडिसिन लेते हो ना कि आपको वॉमिटिंग ना आए, मोशन सिकनेस ना हो, तो उसके लिए जो ड्रग्स देते हैं वो उनमें आती हैं, मोशन सिकनेस वाली ड्रग। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो इसमें कुछ ड्रग्स दोनों में कॉमन है। ठीक है, वो तो आप सबसे पहले ही देख लो ना कि कौन कौन सी इन दोनों में कॉमन है, तो वो आपको नज़र आ रही है, ये डाइफेन हाइड्रामिन इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, डाइमेन हाइड्रिनेट हाइड्रोक्सीजीन, ठीक है, ये इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, और ये दोनों तो कॉमन हैं, बाकी जो है वो आपने याद करनी है, मैंने नीचे बनाए हुए हैं, तो ब्रोमो फिनैरिमिन, ठीक है, क्लोरोफिनैरिमिन, बच्चों सारे नहीं याद करने होते, इसमें से दो दो तीन तीन ड्रग्स एटलीस्ट तो आपको आने चाहिए ना। मार्क सेडेशन कौन सी कराती हैं और मोशन सिकनेस के लिए कौन से, यहाँ से नोट डाउन कर लें बेशक, तो ये दो टाइप की ड्रग्स होती हैं। ठीक है, और मोशन सिकनेस में मोस्टली जो है ना साइक्लिजीन दी जाती है और मैक्लिजीन, इस तरह की ड्रग्स होती हैं जो दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ रहे हैं आपकी सेकेंड जनरेशन ड्रग्स पे। उसमें आपके पास दो टाइप्स आती हैं, कुछ जो होती हैं वो लीस्ट सीडेटिंग और कुछ हैं जो पार्शली सीडेटिंग है। ठीक है, जो लीस्ट सीडेटिंग है उसमें तीन है, फेक्सोफेनाडीन, लोराडीडीन और डेसलोराडीडीन। उसके बाद पार्शली सीडेटिंग में क्या है, सेटीरिजीन, लिवोसेटीरिजीन और एक्रिवास्टीन। ठीक है, ये जो है ना आपकी ड्रग्स आ जाती हैं सेकेंड जनरेशन की। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है, इनकी कुछ फीचर्स हैं, ये जो है ना डोंट इन्फ्लुएंस रिलीज और फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन। बच्चों ये एक बात याद रखनी है कि इन्होंने आपके जो हिस्टामिन जो नॉर्मली आपकी बॉडी में रिलीज़ हो रहा होता है उसकी रिलीज़ को कम या ज़्यादा नहीं करना, इन्होंने एक्ट ही जो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स हैं ना उनके ऊपर करना है। ठीक है, उनके ऊपर जाके एक्ट करना है, और इसने उसकी रिलीज़ को या उसकी जो है वो रिलीज़ को किसी तरह अफेक्ट नहीं करना, उसकी फॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करना। ठीक है, इन्होंने रिसेप्टर मीडिएटेड रिस्पॉन्स करना है टारगेट के ऊपर, उसको ब्लॉक करके। ठीक है, उसके अलावा ये जो है ना
ये सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होती हैं रादर देन रिवर्सिंग देम इफ दे अकर्स, ठीक है, बजाय इसको जो सिम्टम्स पहले से हो उनको रिवर्स करने के बजाय ये जो है ना उन सिम्टम्स से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि इसका मैंने आपको बताया फर्स्ट जनरेशन वाली जो ड्रग्स हैं इनके अंदर बहुत चांस होता है कि ये दूसरे रिसेप्टर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती हैं जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। ये वही बात बताई हुई है, बाइंडिंग टू कोलिनर्जिक एड्रिनर्जिक एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर 2, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा एडिशनल इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक एग्जांपल दी हुई है क्रिप्रोहेप्टाडीन, सिप्रोहेप्टाडीन वो जो है आपके सेरोटोनिन एंटेगोनिस्ट के तौर पे भी एक्ट करती है ऑन एपेटाइट सेंटर के ऊपर जिसकी वजह से एपेटाइट स्टिमुलेशन भी होती है, ठीक है। बच्चों इनके दूसरे इफेक्ट्स को ना सिनेरियो में यूज़ किया जा सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं उस पर, ठीक है। एज इलास्टिन की डोटिफिन का जो है उन्होंने कहा मास सेल स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आते हैं इनके कुछ थेरापीटिक यूजेस। थेरापीटिक यूजेस में हम किस मकसद के लिए एंटीहिस्टामिन्स देना चाह रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो किसी बंदे को एलर्जी और या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उस केस में देते हैं, तो वो एलर्जिक जो है ना जो कॉज हो रही है बाय एंटीजन एक्टिंग ऑन एंटीजन आईजीई एंटीबॉडीज़ के ऊपर, ठीक है, वो जैसे किसी को डस्ट एलर्जी है या एस्थमा वगैरह का मसला है उस कंडीशन में हम ये दे सकते हैं, और किसी को राइनाइटिस अर्टिकेरिया है हिस्टामिन रिलीज हो रहा है मास सेल से तो ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है ना वो आपकी ओरल एंटी हिस्टामिन होती हैं। ओरल एंटी हिस्टामिन कौन सी हैं इस केस में ना आपने ओरल देनी है। ओरल कौन कौन सी हैं आपके पास यहाँ पे, उन्होंने कहा कि ये ब्रोंकियल एस्थमा को ट्रीट करने के लिए नहीं यूज़ होती है बल्कि दूसरी वाली जो है ना एलर्जीज उनको ट्रीट करने के लिए जैसे राइनाइटिस अर्टिकेरिया वगैरह को, तो मुझे लग रहा था एस्थमा को लेकिन आई एम सो सॉरी, तो ये जो है ना एस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ नहीं होती। और उसके अलावा अगर इस जो है वो यहाँ पे बताई हुई है ओकुलर एंटीहिस्टामिन, अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, आइज़ का कंजक्टिवाइटिस हुआ है ना एलर्जी कंजक्टिवाइटिस कंजक्टाइवा का, तो उस केस में आपने ओकुलर देनी है। उसमें आपके पास कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, एजिलास्टिन आती है, ओलोपेटाडीन आती है और कीटोटिफिन आती है, ठीक है, ये तीन ड्रग्स हैं। आपको कोई भी पूछ ले ओकुलर एंटीहिस्टामिन कंजक्टिवाइटिस है तो कौन सी देनी है तो आपको ये तीनों के नाम ज़रूर आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एपिनेफ्रिन का कोई आपसे पूछे तो आपने कहना है कि वो जो है ना उसका जो स्मूथ मसल्स पे एक्शन है ना वो हिस्टामिन से ऑपोजिट होता है, बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, ठीक है, सीएमपी मीडिएटेड रिलैक्सेशन करवाता है और ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर सिस्टेमिक की एनाफिलैक्सिस, ठीक है, उस केस में। अच्छा यहाँ पे सिप्रोहेप्टाडीन का बताया हुआ है, देखो सिप्रोहेप्टाडीन जो है ना वो हिस्टामिन रिसेप्टर्स के साथ साथ और कौन से रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रही है, सीरोटोनिन पे भी कर रही है, ठीक है, और प्रोमेथाजीन जो है वो आपके H2 पे भी कर रही है, सेरोटोनिन पे भी कर रही है और अल्फा एडिनर्जिक पे भी कर रही है, जबकि आपकी डाइफेनहाइड्रामिन है उसने हिस्टामिन पे तो करना ही करनी, उसके साथ कोलिनर्जिक्स पे भी कर रही है, ठीक है। ये इसलिए बनाया गया टेबल है ताकि आपको पता चल जाए कि इनके एक्स्ट्रा इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड यूज़ इसका कौन सा है, सेकेंड यूज़ इसका है मोशन सिकनेस एंड नोज़िया, वो मैंने पहले बता दिया कौन कौन सी ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स तो आपको पता है, ठीक है, और मोशन सिकनेस नोज़िया वगैरह किसी को होता है सफ़र की वजह से तो उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, पहला तो एलर्जी हो गया दूसरा मोशन सिकनेस हो गया। और उन्होंने कहा कि अगर किसी को सिम्टम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो उस केस में नहीं होता, सिम्टम्स अपीयर होने से पहले देनी होती है, सफ़र से पहले देनी होती है, सफ़र के दौरान नहीं देनी, ठीक है, वो तब कोई फ़ायदा नहीं है, प्रायर टू ट्रैवल देना है और प्रिवेंट बोथ टाइप ऑफ वोमिटिंग, दोनों को कंट्रोल करता है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर वॉमिटिंग होती है, दूसरी वेस्टिबुलर पाथवे की वजह से हो रही होती है, ठीक है, दोनों को प्रिवेंट करता है और ये आपके H1 और M1 दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा यूज़ उसका आता है इंसोम्निया का, इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है क्योंकि सेडेशन कराती है ना, तो सेडेशन ये समझ लें कि इसका साइड यूज़ है, समझ लें कि जिसको हम ना ऑफ काउंटर ड्रग के तौर पर यूज़ करते हैं, ऑन काउंटर ड्रग नहीं यूज़ करते, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है लेकिन जो है ना इसकी सेडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं फर्स्ट जनरेशन वालों की, तो इसलिए हम इंसोम्निया की ट्रीटमेंट में भी इसको दे देते होते हैं, लेकिन सेकेंड जनरेशन को कभी भी इस मकसद के लिए नहीं देना हमने। अच्छा उसके बाद हमारे पास आते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक, वो नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।